ECAT में मैट्रिसेस को हम डिस्कस कर रहे थे और आज इस जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैट्रिक्स ऑपरेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, एचेलॉन एंड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट ही एग्जांपल से करते हैं, स्टार्ट ही क्वेश्चन से करते हैं कि ECAT में इनसे रिलेटेड हमें किस किस तरह के MCQs आ सकते हैं। हम अगर मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिहाज से बात करें तो हमारे पास जो MCQ आ सकता है, जैसे ये मेरे पास कॉपीड फॉर्म में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। MCQ क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, 3 × x, यानी x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैट्रिक्स को, 3 × x प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो बताना ये है कि x जो है वो किस मैट्रिक्स से इक्वल होगा इन चार ऑप्शंस में से। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता होना चाहिए कि ये MCQ सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए। मैं जब इसको देखता हूं तो मुझे सबसे पहली बात है कि मुझे लगता है कि मुझे इक्वल मैट्रिसेस का पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल मैट्रिसेस, यानी इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है तो इसलिए मुझे इक्वल मैट्रिसेस का पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर इस मैट्रिक्स को मुझे यहां से खत्म करना है, बिकॉज मुझे आई एम सपोज टू फाइंड एक्स, कैपिटल एक्स, यानी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो मुझे इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स का पता होना चाहिए। मैं डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा, आप जिस तरह से मर्जी सॉल्व करें, जिस तरह से मर्जी कंफर्टेबल फील करते हैं आप, वो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से की जाती है। इस तरह से मुझे ये भी पता होना चाहिए कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब देखें, एक जस्ट MCQ को सॉल्व करने के लिए मुझे ये सब चीजें पता होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। अब यही हमारा टॉपिक है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी फर्स्ट जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस कैसे होती है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होती है। अब देखें, एक तो मेथड ये है कि हमसे सिंपल वर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्स यहां पे वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको यहां पे पुट करने से जब मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, विच इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो कैसे होगी, इस एक्स की एक एक एंट्री के साथ वो मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद जब उसमें एड करेंगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी इन दोनों, यानी इसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, वो जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स इक्वल होगा टू दिस मैट्रिक्स। तो हमने बताना है वो मैट्रिक्स क्या है। देखिए, एक तो है रिवर्स इंजीनियरिंग, जिससे आपका टाइम भी सेव हो सकता है। इफ योर मेंटल मैथ इज गुड, आप चारों इन मैट्रिसेस को माइंड में रखें एंड थिंक ऑफ द मैट्रिक्स जिसको यहां पे पुट करने से और 3 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास वो इसके इक्वल आ जाता है। जैसे लेट्स ट्राई दिस, ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ, 3 × 1, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, दिस विल बिकम 3, दिस विल स्टे 0, यानी एक एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 बन जाएगा, ये भी -3 बन जाएगा, ये भी -3 बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा और ये 12 हो जाएगा। अब मेरे पास मैट्रिक्स 3 0 0, -3 -3 -3, 9 0 12, तो 3 + 1 4, ठीक है, मेक सेंस, 0 + 0 0, 0 + 2 2, ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। उसके बाद -3, देखें -3 और 2 -1, ठीक है, -3 और 1 -2, ठीक है, -3 और 3 0, यहां तक भी बात समझ आती है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट के 3 प्लस, वो यहां पे बेसिकली बन गया 9, तो 9 + 1 10, तो ये तो 0 है, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह आप इस मैट्रिक्स को ट्राई करें, इसको ट्राई करें एंड देन इसको ट्राई करें। एक तो मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि आप इस मैट्रिक्स को हमने एक्स के लिए सॉल्व करना है, तो अगर हम यहां पे देखें, सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ऐड करें, जो कि क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी अगर मैं इस साइड पे ऐड कर दूं -1 0 -2 -2 -1 -3 -1 -1 -5, और वो इधर भी ऐड होगा तो दिस विल बिकम 0, यानी ये रह जाएगा 0। अब ये बन जाएगा, देखें, 4 - 1 3, ठीक है, दिस विल टर्न आउट टू बी 3, 4 - 1 3, 0 - 0 0, 2 - 2 0, ठीक है, ये भी 0 और ये भी 0। इसका मतलब है, अब ये फर्स्ट रो की बात करूं, इसी तरह से -1 -2 -3, दिस विल बिकम -3,
ये बन जाएगा माइनस वन माइनस टू, ये भी माइनस थ्री बन जाएगा, और माइनस थ्री प्लस जीरो ये भी माइनस थ्री बन जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखें माइनस वन माइनस वन प्लस जीरो ये बन जाएगा माइनस वन, ये बन जाएगा माइनस वन माइनस माइनस वन प्लस वन दिस विल बिकम जीरो, और माइनस फाइव प्लस सेवन ये बन जाएगा, ये बन जाएगा टू, ठीक है, यानी फाइव सेवन माइनस फाइव टू। अब अगर आप थ्री जो के मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इस तरफ आके डिवाइड होगा, यानी वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, तो जब वन बाय थ्री क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो एक एक के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके साथ भी होगा थ्री बाय थ्री वन विच इज दिस, जीरो बाय थ्री जीरो, जीरो बाय थ्री जीरो, जीरो जीरो, लेट सपोज ये आ गया जो इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब है ये तीन ऑप्शन हो सकती हैं, वन टू थ्री, ये एलिमिनेट होगी, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, तो ये बन जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई, ये भी एलिमिनेट होगी बिकॉज ये वन माइनस वन वन है। अब इन दोनों में टाई है। थर्ड पे आ जाओ, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री, तो विच इज दिस ऑप्शन, इसका मतलब है ये ऑप्शन एलिमिनेट होगी, हमारे पास सी इज द राइट आंसर। तो चार चीजें जो हमने सीखी हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एमसीक्यू के थ्रू, वो क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। अगर आपको लेट सपोज कोई अननोन वेरिएबल भी गिवन हो तो आप वो अननोन वेरिएबल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से, कि अगर हमें बताया जाए कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और यहाँ पे हमें, हमने पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, व्हाई, बिकॉज हमें पता है क्रॉस्पॉन्डिंग एंट्री जो है हर मैट्रिक्स ही आपस में बराबर है। अगर हमें इस तरह से गिवन हो कि टू एक्स माइनस फोर और जीरो एंड टू एंड फोर, और इसके एक इक्वलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, जो यानी इसकी इक्वलेंट मैट्रिक्स है जो कि है एट जीरो और टू फोर, तो आप बताएं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम इन दोनों को इक्वल रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम क्रॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इट मीन्स के टू एक्स माइनस फोर इक्वल हो जाएगा एट के, तो यहां से हम एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ मेट्रिसेस से हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या है, किसी भी मेट्रिक्स का नेगेटिव, हर एंट्री का नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव नेगेटिव पहले से है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होती है, जब दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, यानी अगर आप थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है, दूसरा भी थ्री बाय थ्री हो, अगर एक टू बाय थ्री है, यानी टू रोज थ्री कॉलम्स है, तो दूसरे की भी टू रोज थ्री कॉलम्स हो, तब वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कब होगी, या स्केलर मल्टीप्लीकेशन किस तरह से हो सकती है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में जो भी मैट्रिक्स के साथ स्केलर क्वांटिटी यानी जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो उस मैट्रिक्स ही हर एक एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये कुछ हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशन है और उनकी प्रॉपर्टीज थी। इसी तरह से हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी उसका जवाब जो होगा वो किसके इक्वल होगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे हो सकती है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, उसके लिए हम कन्फर्मेशन चेक करते हैं। कन्फर्मेशन कैसे की जा सकती है, कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इस तरह से उनका हो ऑर्डर, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ए लिखता हूं और इसको बी लिखता हूं, तो अगर ए का ऑर्डर बनता है टू रोज बाय टू कॉलम्स, ठीक है, टू रोज बाय टू कॉलम्स, जो इसका बनता है वो बनता है टू रोज बाय टू कॉलम्स, तो हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के साथ मैच कर जाएं तो मैट्रिक्स जो है वो पॉसिबल, यानी मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है, यानी मल्टीप्लीकेशन हम की कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास आंसर भी नहीं आ सकता। और जो हमारे पास आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर कन्फर्मेशन पॉसिबल है, यानी अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो आपकी जो जो प्रोडक्ट का आंसर होगा वो नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स होगा, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट का ऑर्डर, और ये चेक किया जाता है कन्फर्मेशन कि मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और मल्टीप्लीकेशन की किस तरह से जाती है, वो अगर आप टू क्रॉस टू की देख लें तो, या टू बाय टू की देख लें जैसा इस क्वेश्चन में, तो हम थ्री बाय थ्री की ऑटोमेटिकली कर सकते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो इसका मतलब है हमारे पास ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा उसका वन, यानी उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही बनेगा। इसका मतलब है इसकी
जो इसकी फर्स्ट एंट्री, इस रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री से, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, सेकंड रो इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो मीन देखें, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो बनता है 6 टाइम 2, ठीक है, और प्लस प्लस सेकंड रो 6 टाइम 2 प्लस 3 टाइम 4, 3 टाइम 4, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 टाइम 3 प्लस 3 टाइम्स 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो हमारे पास होगा 2 4 प्लस 20, तो 22 यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे 22 आ गया, 2 3 6 प्लस 0, 6 यहाँ पे आ गया, 12 प्लस 12 24 यहाँ पे आ गया, और 6 3 18 प्लस 0 18 जस्ट यहाँ पे आ गया। तो ये जो ऑर्डर बनेगा ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और एमसीक्यू है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सपोज एक्स इज एल बाय एल क्रॉस एम, यानी एल नंबर ऑफ रोज एंड एम नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड वाई इज एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, देन वाई एक्स इज ऑफ ऑर्डर, यानी जो वाई एक्स होगा प्रोडक्ट उसका ऑर्डर क्या होगा, एल बाय एन होगा, यानी एल क्रॉस एन, सेकेंड ऑप्शन है एल क्रॉस एम, और थर्ड ऑप्शन है एम क्रॉस एन, फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। तो अब इस ऑप्शन से मुझे एक अगेन क्लू मिला, वो हम वैसे भी चेक करते हैं, लेकिन अब मुझे यहां से मिला जी, पहले मैं चेक कर लूं क्या y टाइम्स x, y टाइम्स x का मतलब है कि सबसे पहले y का ऑर्डर लिखा जाएगा m क्रॉस n ऊपर, और फिर x का ऑर्डर नीचे लिखा जाएगा जो कि है l क्रॉस n, क्या मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या नहीं। तो मैंने देखा कि ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, यानी n नंबर ऑफ, देखें नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, इसका मतलब है दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। तो मेरे पास सिंपल आंसर क्या हो गया, 4। हाँ, अगर अगर x मल्टीप्लाई बाय y किया जाए जिसमें l मल्टीप्लाई बाय m ऊपर आएगा और m मल्टीप्लाई बाय n नीचे आएगा, तो अब देखें m नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स से इक्वल हो गया, तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, l मल्टीप्लाई बाय n। तो यहां से एक चीज हमें और पता चली, देखें l मल्टीप्लाई यानी x मल्टीप्लाई बाय y पॉसिबल है जबकि y मल्टीप्लाई बाय x पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है जो मैट्रिसेस हैं वो क्यूमुलेटिव लॉ को भी होल्ड नहीं करते, यानी क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है जो कि मैट्रिसेस होल्ड करते हैं, यानी ये बात हम जानते हैं, ये भी इसके ऑपरेशंस के या प्रॉपर्टीज के अंदर ही आती है। यानी बात क्या है जी कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों ए बी एंड सी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बी टाइम्स सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी, यानी इसमें पहले सॉल्व कर लें एंड देन सी, दिस इज पॉसिबल। यानी तीन मैट्रिसेस में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह ए टाइम्स बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी जो है, अगर तीन मैट्रिसेस है तो ए बी प्लस ए सी, विच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है, एसोसिएटिव भी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी, ये मैट्रिसेस के अंदर होल्ड करती है, लेकिन हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से हमारे पास कुछ मजीद ऑपरेशंस हैं जो कि मैट्रिसेस रिलेटेड हैं, जो कि एचलॉन या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की बात करते हैं। अब देखें एचलॉन या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के लिए अगर हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, इसके ऊपर हम दो तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑपरेशन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और एक होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जिस जो कि हमें हेल्प करता है कि हम इस मैट्रिसेस को सॉल्व करें फॉर फॉर द सॉल्यूशन सेट। यानी वो बेसिकली अगर ये देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंटेशन है। तो हम चेक करते हैं कि वो कौन सा एक ऐसा पॉइंट है, या है भी या नहीं है, ठीक है, या किस कंडीशन में है कि जहां जिस पॉइंट से तीनों लाइंस पास करती हैं। यानी अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी तो फिर उसके लिए हमारे पास हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे जो कि एक सिंगल पॉइंट होगा जिसे तीनों लाइंस पास कर सकती हैं। लेकिन व्हाट आर दोज ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ये हैं, अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की,
तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम रो इंटरचेंज करते हैं तो वी कैन डू दैट, यानी अगर हम आर वन को नीचे ले आएं एंड आर टू को ऊपर ले जाएं तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, या आर टू को आर थ्री से चेंज करेंगे तो इससे भी मैट्रिक्स जो है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है कि हम मैट्रिसेस को सॉल्व कर सकें। इसी तरह आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रो को, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइंग रो टू बाय थ्री, मल्टीप्लाइंग रो टू बाय थ्री, अगर हम इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यानी वो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होंगे, यानी अगर आप इसके आर टू को या आर थ्री को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगा वो इस गिवन मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इस मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप रो टू में ऐड करते हैं, रो टू से सबट्रैक्ट करते हैं, या रो वन में ऐड करते हैं, रो वन में सबट्रैक्ट करते हैं, तो वी कैन स्टिल डू दैट। तो तीन ऑपरेशन करने से जो मैट्रिसेस आएंगे वो इक्विवेलेंट आएंगे, यानी रोज को इंटरचेंज करने में मैट्रिक्स इक्विवेलेंट रहेगा, रोज किसी रो के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स जो है वो इक्विवेलेंट ही रहेगा टू द गिवन मैट्रिक्स, और किसी एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करने से मैट्रिक्स फिर भी जो है हमारे पास इक्विवेलेंट ही रहेगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन की, तो कॉलम ऑपरेशन में भी ऐसे हम कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकंड को फर्स्ट पे या फर्स्ट को सेकंड पे, तो मैट्रिक्स फिर भी चेंज नहीं होगा। किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है किसी नॉन जीरो नंबर के साथ या स्केलर के साथ। इसी तरह से हम जो है वो किसी मैट्रिक्स किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के, यानी किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा के किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे भी कॉलम जो मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट ही रहेगा टू द गिवन मैट्रिक्स। अब व्हाट इज एचेलॉन फॉर्म? सबसे पहले एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म के अंदर सबसे जो लीडिंग एंट्री है मेरे पास दैट शुड बी वन, ये क्या होनी चाहिए, वन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलम ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कराता हूँ और इसको इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह इस फॉर्म में ले आता हूँ, वन यानी लीडिंग एंट्री वन, ठीक है, और ये नॉन जीरो नंबर, लेट सपोज ये एट हो जाता है, ये सिक्स हो जाता है, यानी आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन, उसके बाद मुझे इसके नीचे दो जीरो बनाने हैं ऑपरेशन के थ्रू। उसके बाद मैं सेकेंड रो में आता हूँ तो फर्स्ट रो के बाद जो सक्सेसिव सेकेंड रो है उसमें जो नेक्स्ट एंट्री है दिस शुड बी वन और इसके नीचे होना चाहिए जीरो, और ये कोई भी जीरो भी हो सकती है नॉन जीरो भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दिस शुड बी वन। अब ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एचेलॉन फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। और व्हाट इज रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म? रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर जो 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 लीडिंग कोफिशियंट्स आपके पास, ठीक है, जो कि लीडिंग कोफिशियंट्स हैं हमारे पास वन, उनकी, या अगर आप कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लीडिंग कोफिशियंट वन वन आ रहे हैं हमारे पास रोज के अंदर, उसके उनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स कॉलम में जीरो जीरो होने चाहिए। यानी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको वन बनाएंगे, इसके नीचे दो जीरो बनाएंगे, फिर हम इसको वन बनाएंगे, इसके नीचे जीरो बनाएंगे, फिर यहां पे वन बनाने के बाद पहले हम इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, फिर यहां पे वन बनाएंगे, फिर इसको जीरो करेंगे, और फिर इसको जीरो करेंगे। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में ले आते हैं, यानी वन जीरो जीरो 010 और 001 फॉर्म में ले आए, तो दिस बिकम्स इक्वल टू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ये क्या कहलाती है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बेसिकली हमें सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट करने में काफी हेल्प करती है, जो कि हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से ही परफॉर्म करते हैं। अब किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में ले आने से अगर उसके पास जितनी नॉन जीरो रोज बचती हैं, यानी नॉन जीरो रोज बचेंगी, ठीक है, यानी हम कहते हैं अगर कोई ए मैट्रिक्स है जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, अगर इसमें आफ्टर ब्रिंगिंग दैट मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, उसमें अगर नॉन जीरो रो लेट सपोज तीन है तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, थ्री। अगर उसमें नॉन जीरो रोज जो है वो टू है तो उसका रैंक हो जाएगा टू। अगर उसमें नॉन जीरो रोज वन है तो उसका रैंक हो जाएगा वन। ये मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल यूं हो सकती है कि एक मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन को अप्लाई कराने के बाद हमारे पास उसकी फॉर्म ये बचती है, जैसे 1 5, चलें 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड -2, उसके बाद 0 0 0 0 और 0 0 लेट सपोज 0।
अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में लेके आने के बाद इसकी फॉर्म ये आ गई। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 1, बिकॉज इसमें जो नॉन जीरो रो है वो जस्ट क्या है, एक है, बाकी ये भी जीरो हो गई और उसके बाद ये भी जीरो हो गई। तो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज 1 कर दूं, अब इसमें नॉन जीरो रोज जो हैं वो कितनी है, 2 हैं, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। और इस तरह अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, ठीक है, तो इसमें इसका जो रैंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। तो नॉन जीरो रोज इसके अंदर 3 हैं, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3। तो इस तरह से हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करता है, जो कि हमें हेल्प आउट करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें जो गिवन सोल्यूशन होगा वो कोई एक सिंगल पॉइंट होगा या वो इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स होंगे, या उसका जो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि उसकी नेचर किस तरह से होगी। बट दिस इज वॉट वी मीन बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स।